बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, जिसके लिए मैंने हाफ के जी बोनलेस बीफ ले लिया है। दही ली है आधा कप, टोमेटो प्यूरी ली है आधा कप, कुटा हुआ अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सौंफ, साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा 1 टीस्पून। मिर्चों में भरने के लिए जो मसाला लिया है उसमें है हल्दी थोड़ी सी, कुटा हुआ सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका, या 1/2 टीस्पून आप ले लें। अचार गोश्त के मसालों में जाएगा हल्दी 1/2 टीस्पून, मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक हसबे जायका। कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गरम करेंगे, फिर इसमें बीफ डाल देंगे। कलर चेंज होने तक बीफ को भूनेंगे। कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको भूनेंगे। अब नमक, मिर्च और हल्दी डाल देंगे। अब ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि मसाला नीचे लगे ना। थोड़ी देर के लिए इनको भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब टोमेटो पेस्ट इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। दही डाल देंगे।
एक से दो मिनट तक मीडियम आंच पर पकाने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन दो ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है, हम इतना ही पानी डालेंगे जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। डेढ़ से दो घंटे के लिए इसको ढक के मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमने मिर्च ले ली है, अचारी मिर्च ली है, इसको दरमियान से कट लगाएंगे और जो मसाला हमने रखा हुआ था वो इसके अंदर भर देंगे इस तरीके से। वो मसाला चार मिर्चों के लिए था, आप जितनी चाहें उतनी डाल सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी सारे भी कर लेंगे। बीफ अच्छे से गल चुका है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है, अब हम इसमें मिर्चें डालेंगे। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ ताकि मिर्चें अच्छी तरह से गल जाएं। अब 10 मिनट के लिए इसको ढककर दम पे रख देंगे। मिर्चें भी पक चुकी हैं और ये तैयार है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बीफ अचार गोश्त तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।